हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्लू एंड लाइम ग्रीन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी से आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर हमारी फोटो इस पर क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ से करेंगे इसकी वैल्यू को हम -4, एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, टिंट की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम -8, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +19, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो इसके लिए जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -16, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम +42, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी ह्यू की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +61, एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +70, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +45, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -50, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +81, एंड यहाँ से इसकी भी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +45, एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -50, एंड यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +72, एंड यहाँ से इसकी भी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +61, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -53, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम +100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम +10, एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे, एंड पर्पल कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को माइनस की लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -74, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +74, एंड ऊपर से कर देंगे डन, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ आने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, एंड यहाँ से लुमिनेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +30, एंड ऊपर से कर देंगे डन, एंड नेक्स्ट जाते हैं लाइट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से ब्लैक्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, ब्लैक्स की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +40, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है,
तो कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को आंसर करेंगे हम +14। एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स क्लैरिटी की वैल्यू को आंसर करेंगे हम +18 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो डीएच की वैल्यू को आंसर करेंगे हम -8 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके जाएंगे, तो अभिनेट की वैल्यू को आंसर करेंगे हम -32 एंड यहाँ से मीट फंड की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स मीट फंड की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है, ठीक है। तो मैं इसे रखता हूँ +11 एंड यहाँ से फैदर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स फैदर की वैल्यू को आंसर करेंगे हम +85 एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे रखते हैं 22 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं 16 एंड यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ ही स्टेप्स। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव्ड डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।